हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बज रहा है सुबह की 9 बज रहा है, 9:05 हो रहा है आज। हाँ बिल्कुल, मैंने सही बोला, 9:05 हो रहा है। और मैंने रोज़ की तरह ले लिया चाय। और कायरू मेरा अभी भी सो रहा है, रात भर उठता है और 10 बजे तक सोता है। तो डेली की तरह वही सब्जी भी बना लिया मैंने। आज है बृहस्पत, बृहस्पतिवार है आज। तो आज मैं क्या बनाती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने बनाया सूखी आलू, मेथी और धनिया डाल के। मेथी खड़ी वाली नहीं, वो कस्तूरी मेथी डाल के। ये नया है आलू रेसिपीज की, तो मैंने शेयर किया नहीं है अभी, फिर कभी। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, आप लोग भी ज़रूर देखिए। ये हैं 20 रुपए के सिक्का, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। आप लोगों को अभी मेरे घर में भी फर्स्ट टाइम आया है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये सिक्का। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और कारू पापा ऑफिस जा चुके हैं, अभी लेट गए वो, अभी जस्ट निकले, 5 मिनट हुए उन्हें, क्योंकि वो सिलेंडर नहीं था भरा वाला। और वो सिलेंडर देने वाला गाँव गया था, बोला था मैंने आप लोगों को। और पीछे आता जहाँ पार्क की मैंने वीडियो डाला भी था, वहाँ आता गाड़ी, तो सिलेंडर लेके आए ये पापा के संग जाके। पापा अकेले लेके नहीं आ पा रहे थे गाड़ी में, बांधने वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो पापा नहीं ले पा रहे थे। और दीदी नहा के आ चुकी है, मैं पूछ लेती हूँ चाय की। पापा खड़े थे, चाय ले आए अभी तो, मैं जब तक भी ले रही हूँ। पापा लेके आए थे कड़ी पत्ता, ये सही है। कड़ी पत्ता मैं धो के सुखा के रख लेती हूँ, तो आप लोगों को पता ही है काम आ जाता है बहुत सारे सब्जियों में, या सूखी सब्जी बनाओ, कड़ी बनाने में, हर तरीके की। और भाई कल तो अरमानों में पानी फेरा, कल पूरा टाइम बारिश रही। पर इसी टाइम जब जा रहे थे कारी पापा, तब मौसम थोड़ा सा मतलब खुला था, और उसके बाद पूरा दिन पानी बरसता रहा बरसता रहा। देखिए अभी तो बहुत अच्छा धूप निकला, और बूतर सब भग गए, बहुत अच्छा धूप निकला। और कपड़े में से तो घी, कल पूरे टाइम मतलब सुखा के गई थी, मैंने कहा बाहर अंदर कहाँ सुखाऊंगी इतने सारे कपड़े, मैंने भीगेंगे तो बाहर ही भीगेंगे, डले रहेंगे तो डले, अभी सूख जाएंगे दोपहर तक। लेकिन धूप अच्छा निकला, आगे का नहीं बता सकते। कल भी ऐसी धूप निकला था, और उसके बाद से फिर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि कल जाने का था कहीं प्रोग्राम प्लान, तो जा नहीं पाई, बड़ा बुरा लगा। पर फिर कभी बना लूँगी। पहले तो भाई चाय ले लिया है, तो पहले चाय पी लूँ, उसके बाद आप लोगों से और भी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि आज बहुत घर में काम है। कल सब्जी वब्जी भी धोकर रखा था, वो भी उठाना है, पहले चाय उसके बाद दूसरा कोई काम। भाई चाय पी के आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पे, मतलब अपनी किचन पे। हम जैसे कह रही हाउस वाइफ जो हमारी जैसे हैं सब, और उनकी ड्यूटी यही है सुबह उठ के साथ, मतलब ये जॉब हमारी है किचन। इस किचन में हम काम करते हैं, पर पैसा कौन देता यार? पैसा इस घर में देने वाले कौन है? हमारे घर के पापा, मतलब सैलरी मुझे देते हैं इनके पापा। क्या काम है जिंदगी में, कभी ये नहीं छूट सकता। भले एक दिन का आराम, जैसे हर लोग की ऑफिस में होती है सब लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी, हमारे भी ऐसा होता है कभी कभार, जैसे कि शादी वादी का दावत वगैरह मिल जाता है, तो आप लोगों का छुट्टी रहता है उस दिन। वरना तो लेडीजों का कभी कोई छुट्टी नहीं होता, किचन से कभी तुम फारिग नहीं हो सकते हो, किचन ही तुम्हारी जान है। सुबह उठते साथ ही सीधा किचन की मुँह, क्या बनेगा। चलो भाई अभी तो फिलहाल दीदी के लिए रोटी बनाऊं, फिर आगे का देखते हैं। तो भाई दीदी की रोटी तो मैंने बना दिया है, अब बारी आती है टिफिन पैक की, जो कि मैंने धो के यहीं रख दिया था कल, ताकि आसानी हो, क्योंकि बर्तन वर्तन मैं लगाती नहीं हूँ। बर्तन वर्तन इसलिए जल्दी नहीं लगाती क्योंकि कैरिस होता है, तो उसको आवाज आती उड़ जाता है। तो इनकी लंच हो चुकी है पैक, अब मैं दूसरे कामों में लगूंगी।
यानी कि जैसे कि सब्जी पहले उठाऊंगी, फिर मुझे लहसुन भी छीलना है अभी। तो सब्जी का पिटारा मैंने कर लिया खाली ये वाला, और ये सब सब्जी बची थी, बची क्या थी, भिंडी है थोड़ी बहुत, जो कि अगर नहीं बनाया कल तक तो सूख जाएगी। और ये हरी मिर्च छाट के रखूँगी, जो सूख गई वो हटाऊँगी। और दो अमिया बची है, मतलब आम। तो सोच रही क्या करूँ आज, खट्टी दाल कर दूँ, मतलब मसूर की दाल खट्टी बहुत पसंद है कायरू को। शिमला मिर्च कोई घर में खाना नहीं चाहता। शिमला मिर्च ज़्यादातर ये तो उसके लिए आती है, क्या नाम है, नूडल्स वगैरह बनती है इसलिए आती है, वरना सूखी बनती है वो, क्या नाम है, बेसन डाल के। तो बस वही ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा क्या, घर में बहुत कम लोग, जैसे कि इनके पापा खाएंगे, कारू पापा और दीदी खाएंगे बस, और कोई नहीं पसंद करता। टोकरी में मैं टमाटर रख देती हूँ, और बच्चों का होता है मज़ा, फ्रिज खोलते हैं और एक एक उठा उठा के खा के जाते हैं। कल यार आलू के नीचे दब गया ये टमाटर, पचक गया, पहले इसको ही बनाना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगी। तो टमाटर मैंने टोकरी में सजा दिया, और जितनी पुरानी हो गई थी हरी मिर्च वो मैंने निकाल के यहाँ रखे, जितनी ख़राब है वो हटा दूंगी, बाकी तल के रखूँगी। तल के बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को खाना, पापा को, कायर बाबा को। और मैंने कुछ अदरक की वो ले ली है, क्योंकि लहसुन छिलूंगी, लहसुन और अदरक की दोनों पेस्ट बना के रखूंगी, वो ख़त्म हो रहा है। फ्रीज में बिल्कुल भरे पड़े चीज़, दुनिया भर की सब्जी रखी है, दो तीन सब्जी रखी है, दूध रखी, चावल रखी, आटा रखी, तो चावल तो कम ही बनेगी यार। और यहाँ सिलेंडर की जगह भी खाली हो गया, सिलेंडर आ चुका है, मैं लगाऊंगी, देखती हूँ। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा तो लगाना आता नहीं, मुझे डर लगता है कभी कभी, ये नहीं खुल पाता, देखती है तो मम्मी के आने का इंतजार करती हूँ, जाते खुल जाए तो अच्छी बात है। मम्मी कहती है थोड़ी आगे खींच के ऐसे करके, तब उसे हो नहीं पा, आज तो बड़ी आसानी से खोल दिया मैंने, अब मैं देखती हूँ लगा के लग पाता है कि नहीं उससे। मैं ज़्यादातर लगाती नहीं, मुझे डर लगता है बड़ा सिलेंडर में। तो भाई सिलेंडर मैंने फाइनली लगा लिया, सक्सेसफुल चेक भी कर लिया मैंने, और ये छोटा वाला जाएगा ऊपर। बुआ को छोड़ने जा रहे हो, बाय करो, कर उसके सोच रहा है। जाओ बाय बाय बुआ। कायरू गया दादा के संग, मतलब पापा के संग गया, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी, बेडशीट एक से दो दिन हो जाता तो मैं चेंज कर देती हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, वैसे तो सूसू करा नहीं था इस पर। और मैंने वो वाले जो मिर्ची निकाल तो वो तल के रखे मैंने ऐसे ऐसे, इसलिए मतलब जलाया इसलिए क्योंकि ये लोग ऐसी पसंद करते कड़क करंची, तो फिर मैंने वो भी कर दिया। मैंने कहा बच्चा घर पर नहीं है, वरना तो कायरू होता तो खांसता ही रहता है, मिर्ची का धास लगता है तो क्या करेगा बच्चा। बहुत सारा काम मैंने कर लिया, मतलब कूड़ा निकाल दिया आंटी को, बर्तन मैंने लगा के रख दिया है, बॉटल्स भर के रख दिया है, बैटरी चेंज हो गई, और घर जैसे कि था मतलब सामान वामान फैले रहते थे, तो मैंने एक सा लगा दिया है। अब लगाऊंगी मशीन, सो तो मैं लेट लगा दूंगी। और ये वाला बिस्तर नहीं कह रहा बिचे, क्योंकि पापा मम्मी आएंगे अभी इधर बैठेंगे, तो जब लोग चले जाएंगे तभी करूँगी। और बाहर से अभी कपड़े उठाऊंगी नहीं, क्योंकि कपड़े तो गीले ही है, फिर धूप लगने लगी। बाकी तो अभी लोग आएंगे तो नाश्ते की तैयारी करूंगी, उसके बाद ही झाड़ू पोछा होगा। चलो यही काम हो गया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो यही सब काम में थोड़े कायरू के चक्कर में हो जाता है लेट, थोड़ा काम करती हूँ फिर वो कहते हैं मम्मा बाबू दे दो तो लेट हो जाता है, वरना तो ये सब काम कितने एक घंटे के अंदर ही काम हो जाए। तो मम्मी पापा को नाश्ता दे चुकी हूँ, ये हम दोनों का नाश्ता है मेरा और तो मम्मी कह रही कल के आलू ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ये भी ठीक है, पर मैंने कल वाली जो वो मुझे भी सबको अच्छी लग रही थी। तो मम्मी पापा का नाश्ता हो चुका है, मिर्ची तो मैं नहीं खाऊंगी, मिर्ची खाएंगे यही लोग, मैं ले लेती हूँ और कार को भी बुला लेती हूँ। तो भाई अचार खब गया था, मतलब अचार बहुत खा रही है हमारे घर में, ये दो हफ्ते में मुझे लगता है अचार ख़त्म हो जाएगा, मैंने ले लिया अचार, ये दोपहर तक में ख़त्म हो जाएगी।
आओ कायरू, आओ नाश्ता करा। ये कायरू तो मेरा बहुत ज्यादा मुझे नाक में दम किया है इसने। शीशाकू बच्चे, ये उसने पहली बार ये प्लेट फेंका जो कि अभी मैं बाल्टी से उठाए, और दूसरा उन्होंने दिखा रही मैं आप लोगों को क्या करा। मैं तो ये गेट ही बंद करके रखा, मैं क्या करूँ इससे, बहुत परेशान हूँ। ये दीदी का ये चश्मा की वो फेंका इन्हें, फिर मैंने बाल्टी से उठा के रखा। इन्होंने एक तो मेरे काम के टाइम काम बढ़ाया, ऊपर से ये लाइट की बिल उठाएंगे और है क्यों शैतानू। सुकून से लेटे आप अभी है, कुछ काम नहीं हुआ, मेरी काम जल्दी होने की वजह और लेट हो गया। दो बार तो नहीं के चक्कर में भागी मैं इधर से उधर। बर्तन मैंने धो के रख दिया, लहसुन मैंने अभी तक छीला नहीं है, और ये काम करते करते हमारे कायरू भाई साहब एक और काम बढ़ाते हुए यहाँ पर उन्होंने जहाँ तक क्या रखे रहते वहाँ इन्होंने पानी डाल दिया। आज मुझे बहुत परेशान कर रही है ओ भाई साहब। भाई साहब क्या बताऊं, मुझे तो बहुत परेशान किया इसने आज कायरू। और बोल रहे वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे, मेरा तो डबल काम बढ़ा दिया इसने। और कुछ नहीं सोचा, मम्मी कह के गई थी कि खाना बनना नहीं है आज, जो रखा वही खाएगा, और खाने का पूरा टाइम ले रही है आज। ये तकिया इसने पूरा गीला किया, मैं डाल के आ रही बाहर, धूप तो अच्छी निकल आई, इसके चक्कर में बालकनी भी गेट खुला नहीं छोड़ पा रही। कुछ भी सामान ला रहा है और ले आके फेंक दे रहा है अंदर, चलो वरना कुछ ना कुछ और फेंक दोगे। ये तकिया मैंने ऐसे टांग दिया, देखो आ तो गया है, दोबारा कुछ ना कुछ जरूर फेंकेगा। ये हल्का है तकिया, ये भारी नहीं है, तो इसलिए टांग गया, बन रहा था अभी तक गिर जाता वो। शैतान दिमाग में चलता रहता बस इसकी शैतानी। अब ये अभी हाथ में दिख रहा है, फेंक देगा ये। तो मैं हो चुकी नहा के रेडी, और घर का काम खत्म हो गया, कायरू को भी नहला दिया मैंने। खाना आज कुछ बनाना नहीं है, लेकिन शाम को बनाना है इडली बनाना है, चाहे शाम इडली और सांभर, तो उसकी तैयारी करके रखना है मुझे, जो दही मैंने जमाए थे। फ्रिज खोलते साथ ही टमाटर हाथ में आ गए इनके, है ना। आज आपने मुझे बहुत परेशान किया, पापा से कहूँगी मैं आपकी शिकायत बिल्कुल करूँगी। बेडशीट झाड़ झूड़ के बिछाया, बेडशीट पे पानी गिराया, बोतल ले गया, ये दोनों बोतल लेके गया था। इतना शैतानी करने लगे हो ना आप, आपके पापा से शिकायत होगी आपकी। बालकनी से आपने दो बार सामान गिराया है, पहले तो गेट ही बंद कर दो बालकनी की। धूप अच्छा खासा निकल आया, वरना पता चले। आओ इधर, सूजी देखती हूँ पहले। तो भाई इडली की घोल मैंने तैयार कर दिया है, थोड़ा सा पानी पड़ेगा इसमें। और हमारे कायरू भैया को सूजी बहुत पसंद आए, कच्चा हर चीज़ खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, इतना मुझे परेशान करता। आज तो आपने हद ही कर दिया मुझे और परेशान करने में। मैंने इडली की घोल यहाँ तैयार करके रख दिया, शाम तक और फूल जाएगा सूजी। सूजी क्या बना रही हूँ, चावल का नहीं, चावल का घोल तो यहाँ 34 में मिलता भी है, और बना भी लो घर में चावल हो तो मैं बना रही थी सूजी की बना रही हूँ। और मैंने यहाँ दाल गला दिया है अरहर की, सोच रही थोड़ी सी इमली भी गला के रख देती हूँ अभी। पापा को निकाल दिया मैंने चाय, क्योंकि उनकी चाय पीनी है, और अभी बजती 4, चाय और आलू के पकौड़े, और यहाँ चावल गर्म हो रहे, चावल खाएंगे मम्मी को, ठीक है मैं तो खा लूँगी, और कल मेरा सो रहा है, जब उठेगा तब खाना खिला दूँगी। तो यहाँ मैंने सांभर की तैयारी कर ली है, इसमें इमली गलाई मैंने और अरहर की दाल मैंने भिगा दी है, शाम को बनाऊँगी तो हो जाएगा। और सब्जी तो कुछ बनेगा नहीं, मछली का रखा है, मछली रखी कल की, उन लोगों ने खाई नहीं थी। और बैटर मतलब ये सूजी का बैटर थोड़ा सा मम्मी को वो लग रहा था गीला सा, मतलब थोड़ा सा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और सूजी डाली इसमें। खाना पीना हो चुका है सभी का कह रहे हैं, सिर्फ पापा ने चाय पकौड़े खाए, तो मुझे अभी भी बार बार बोली लहसुन छीला, क्योंकि लहसुन छीलना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता लहसुन छीलने का, और अकेला बिल्कुल भी बैठने का दिल नहीं करता, कमर दर्द कर देता है, पर फिर भी छीलना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, फिर मटन या चिकन जो भी हो बनेगा।
क्योंकि आज तो बृहस्पति है, आज तो बनेगा नहीं, और फिर भी जो बना रखा वो खा लेंगे, पापा कर पापा उनके पापा खा लेंगे। और चाय गर्म कर रही हूँ मेरी और मम्मी के लिए, चाय गर्म कर रही हूँ क्योंकि खाना पीना हो चुका है, और कार्यों के लिए मैंने रख दिया थोड़ी बहुत चावल रखा है, खाएंगे तब मंडार पराठा बना देंगे। बच्चे खा लेते खाना तो एक सुकून सा रहता है कि हाँ खाना खा लिया है, टेंशन नहीं रहती, और खाना नहीं खाता एक टेंशन लगा रहता है। सो गया था जल्दी नहा के, तो चाय मैंने निकाल लिया है, और लहसुन में इसमें डाल के रखूँगी, थोड़ी पानी में भिगा के रखूँगी, जब तक चाय पीऊँगी तब सब लहसुन फूल जाएगा तो छीलने में आसानी रहेगी। और चाय के बर्तन में धुलने में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दीदी शाम को आएंगी फिर उनकी चाय बनेगी, तो मैंने कहा क्यों खाऊंगा कि धो, मैंने जब आएंगी तो चाय बना दूँगी उसी में। तो आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, आपकी हर आवाज से वाकिफ हूँ मैं। आज इतने जल्दी आ गए, 6:30 तो हुई है, क्या जल्दी आया? 6:30 भी नहीं हुआ अभी, 10 मिनट बाकी है, 10-5 मिनट। भाई सो रहा है बेबी? सो रहा है भाई। भाई सो रहा है। ओहो भाई कहाँ गए थे गाड़ी निकाल के? ये जिप्सी बस वो थोड़ा नीचे गए थे जिप्सी में। फिर मैंने इसको धो दिया, मतलब पोछ पोछ करके रख दिया, उन्होंने पोछने के लिए तो रखा है मुझे, इसकी मुझे 1000 रुपए देते गाड़ी को साफ करने के लिए। पानी दो आपको, पापा आते साथ नूडल्स बनाए उन्होंने, और नूडल्स इनकी फेवरेट है, अब इनकी फेवरेट बनेगी आज डिश, मैं आप लोगों को दिखाती आई है। वो तो मैं सुबह से कह ही रही हूँ, इसमें आप लोगों को तो पता ही होगा, ब्लॉग में अगर पूरा स्किप करके अगर नहीं देखते हो तो, बनेगा इडली, इडली बनेगी, और चाउमीन का जो आटा नूडल्स था ना, ये आटा नूडल्स जो बनाया था उन्होंने, इतना टेस्टी बना था, वो खत्म हो गया, इन्होंने नहीं खाई बस। और दीदी और मेरे लिए मैं दोबारा चाय बना रही हूँ क्योंकि एक बार 4 बजे चाय पी चुके हम लोग, पापा मम्मी सब लोग, अब दीदी के लिए बनना है तो अपने दो घूट मैं भी मार लूँगी इसी में से। और अदरक लहसुन मतलब कि मैंने छील के रखा, अभी तक पीसा नहीं है, तो फिर भी मैंने छील लिया था। दीदी को कहा दाल भी मैंने भिगा दिया है, तो अभी पहले मैं ये खा लूँ, फिर मुझे कपड़ा भी तय करना है, बहुत सारा कपड़ा है, कपड़ा तय करूँगी उसके बाद। हाँ बेटा बोलो। कायरो ने आज मेरे बहुत ज्यादा काम पड़ा है, पता है हुआ? चादर के पास पानी की बोतल ले आया, पानी की पूरी बोतल कर दी, जबकि बेडशीट चेंज कर दिया था, और प्लेट गिराया था नीचे, आपकी चश्मे की डिब्बा भी गिराया था। आप अपना कर लो, आप अपना बुआ अपनी चीजें प्लीज रख के जाके अलमारी में, मैं यहाँ काम कर रही होती उतने में ये अपना काम कर सकते थे। बहुत ज्यादा परेशान किया आज मुझे, क्यों कायरो अकेले में बहुत ज्यादा ही परेशान करता है, वरना तो भाई बहन लड़ते चाहे खेलते खेलते वेलते तो रहते हैं कम से कम, बहुत ज्यादा उंगली पे नचाया इसने, कभी वो फैलाया कभी नीचे यहाँ पर सूजी सूजी फैलाया, जब मैं वो कर रही थी सूजी निकाल लिया था, नाक में दम किया जिसने मेरी। तो खाने की तैयारी जी हमारे हो रहा है, वो चुका है बल्कि वही बज रहा है 9। हाँ बेटू आटा गूंथ के रख दे रही हूँ क्योंकि मेरे सांभर तो बन चुका है, सांभर बन चुका है, और यहाँ इडली हो रहा है, और यहाँ मछली गरम करके दे रही हूँ मैं इनको, खाना दे दूँगी कायल पापा को अभी, और पापा पापा तो खाएंगे 10 बजे तक, एक घंटा है, तो इनको रोटी बना के दे दूँगी, बाकी रोटी के बाद में बना लूँगी, सोच रही आटा गूंथ के 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सांबर मेरा हो चुका है, और हाँ तो इडली सांबर कैसे बनी? बहुत टेस्टी। टेस्टी? I love it। किसी को आपको पसंद नहीं आया? बस घर में बुआ को पसंद है, हम लोगों को पसंद, बुआ को सबसे ज्यादा।
इन दोनों भाई बहन के खाना पीना तो हो चुका है, बस हम ही लोग रह गए, मम्मी पापा मैं। तो मैं अपनी ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरी तरफ से सबको गुड नाइट।